दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ गुआक्टा के अध्यक्ष डॉक्टर डी के सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। गुआक्टा के अध्यक्ष डॉक्टर के डी तिवारी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगे नहीं माने तो हम परीक्षा बहिष्कार समेत विभिन्न शैक्षिक कार्यों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर के डी तिवारी ने बताया। तय कर लिया है कि इस कलंक को हमको मिटाना है और अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। रहना है हमने देखा है कि तमाम प्लेटफॉर्मों से करते रहेंगे और इससे कोई खिलवाड़ कर सके। मैं मजबूत हूँ, मैं अडिग हूँ, हमारे अंदर आत्मविश्वास है। डॉक्टर के डी तिवारी अध्यक्ष गुआक्टा, आज का ये धरना प्रदर्शन गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ की तरफ से किया जा रहा है। इस धरने का प्रमुख मांग यह है कि जो नए शिक्षक आए हुए हैं उनको पीएचडी करने के अधिकार से कुलपति ने रोकते हुए उनसे 3 साल का अवकाश की मांग कर रहा है, जबकि शोध अध्यादेश में जो 2018 में बना उसमें केवल 6 महीने का अवकाश की बात की गई है। जो शिक्षक साथी शोध नहीं कर पाए हैं उनके लिए आगे का रास्ता बंद हो जाएगा, उनका प्रमोशन रुक जाएगा। इसके साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास हुआ स्नातक स्तर के शिक्षकों के लिए जो शोध कार्य के लिए एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया है उसको अपने टेबल पर रख के उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। इस क्रम में विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का बहिष्कार भी सम्मिलित है। धन्यवाद।